नमस्कार साथियों, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आपको मैसेज कर देना चाहता हूँ। एक थोड़ी सी अपडेट नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो आजकल सामान्यतः देखने में मिलती है। बहुत सारे कारणों से हाइपरटेंशन होता है, लेकिन कारण जो भी हो, हमें हाइपरटेंशन के लेवल को, ब्लड प्रेशर के लेवल को सामान्य रखना जरूरी है, क्योंकि वो और बड़ी बड़ी बीमारियों को बढ़ाता है। उच्च रक्तचाप मतलब हाइपरटेंशन, किडनी की समस्याओं को, रेटिना की समस्याओं को, हृदय में लोड देने वाले चीजों को, इन सभी चीजों को हाइपरटेंशन। हृदय की गति को नियंत्रण रखना और हृदय के ताप को, हाइपरटेंशन को नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हाइपरटेंशन जो है दवाइयों से बहुत बिल्कुल अच्छा ठीक भी हो जाता है। और नमक कम खाएं, नियमित व्यायाम करें, चाय कॉफी का सेवन कम करें, स्मोकिंग कम करें अगर करते हैं तो, अदरवाइज तो लेना ही नहीं चाहिए चीजें। और इन सबको ध्यान में रखते हुए समय पर खोएं, एक हेल्थी लाइफ स्टाइल बनाएं तो हाइपरटेंशन कम करने में सहायक होता है। साथ ही जो दवाइयाँ आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी समय पर लें, सुबह की दवाई सुबह में मिस ना करें। बहुत सारे लोग सुबह की दवाई मिस कर देते हैं, फिर शाम को लेते हैं, फिर सुबह दोबारा लेते हैं, तो वो भी एक तरह से इसमें बुरा प्रभाव डालता है। किस बीमारी के कारण आपको हाइपरटेंशन है या हाइपरटेंशन किस कारण से है, उसके स्पेसिफिक ही एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन चूज करनी रहती है। ये आप अपने डॉक्टर्स पे जो भी वो इस तरह से सलाह देते हैं वो लीजिए। ये दवा मुझे सूट नहीं है तो कुछ और दवा किसी दोस्त की ले ली, किसी भी फ्रेंड्स की ले ली, इस तरह से नहीं। आदमी की उम्र, उसकी स्थिति के अनुसार ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू होती है, तो वो डॉक्टर आपके हिसाब से देख के देते हैं, तो उसी तरह से आप उनको शुरू रखिए, ठीक है। और नियमित रहिए, आहार पर रखिए। और एक ऐसी बीमारी है हाइपरटेंशन जो कंट्रोल की जा सकती है, तो उसको बिल्कुल कंट्रोल करिए। धन्यवाद।